था तो राजा जनक ने क्षत्रिय वंश को धिक्कारा। फिर गुरु जी की आज्ञा से अपना कर्तव्य निभाया। हे राम तो शांत हो, लेकिन तुम्हारा यह भाई बड़ा पापी है। इसका मुख गोरा है, परंतु इसका मन कोयल की भांति काला है। जी चाहता है कि इस बच्चे से इसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं। ऋषि राज, यदि आप अपनी इज्जत का ख्याल करते हैं तो वो आपकी जंगलों में है, ना कि बस्ती में। हे कौशिक, केवल तुम्हारा लिहाज करता हूँ और अपने गुस्से को खून की घूंट की तरह पीता हूँ, नहीं तो अब तक इसे सफाया कर दिया होता। क्यों ना हम बच्चे से लड़ाई करो, पर होकर क्षमा तो करो। ये बच्चा नहीं, एक बच्चा नहीं, शहर की पेल है, समझ रखा इसने मुझे खेल है। जरा खे जरा जरा तुझे बताता हूँ, मजा शराब का भी चखाता हूँ। यह बिना मैं गुनहगार हूँ, सजा दो मुझे, मैं सजावार हूँ। क्यों निकलता है इस कदर भयान से, मैं भली भांति बाकी हूँ तेरी शान से। यह करता है खुद मौत की इंतजारी, मालूम होता है इसे जिंदगी नहीं प्यारी। ओ लक्ष्मणी को एक तमाशा नहीं, जो मुंह में डालो वो पराशा नहीं। जरा जरा शरण तुझे बताता हूँ, मजा सारा काबिज चढ़ाता हूँ। महाराज, लक्ष्मण तो नादान है, तुम इसे मेरे आंखों के सामने से दूर कर दो, नहीं तो इसकी बड़ी दुर्गति होगी। महाराज, तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, तो मैं स्वयं ही नजर नहीं आऊंगा।